नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे सफाई। उन्नाव रेप पीड़ित को न्याय व प्रदेश के ध्वस्त कानून व्यवस्था को उठाया मुद्दा। उन्नाव रेप पीड़ित को न्याय व प्रदेश में ध्वस्त कानून की बात कर रहे सैकड़ों सफाइयों ने जमकर प्रदेश की योगी सरकार पर हल्ला बोला। सरकार विरोधी नारे के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे देने की बात नारेबाजी करते हुए जिले के कलेक्ट्रेट पहुंचे सफाइयों ने अपना ज्ञापन सौंपा। प्राइम 18 न्यूज के लिए सुल्तानपुर से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। और उसी तरह बहुत प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, पूरा प्रदेश में भयावह माहौल है। आज जो है जो हालात है, हम लोग मांग करते हैं इस धरने के माध्यम से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में बैठे हुए हैं, हम लोग इस ज्ञापन और धरने के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार बर्खास्त की जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। बहन बेटियाँ निकल नहीं पा रही हैं और बहुत ही बुरा हाल है। कुछ बताने की पोजीशन में हम लोग नहीं है, मतलब बस ये समझ लीजिए कि इसको बर्खास्त किया जाए, सरकार बर्खास्त किया जाए। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि सर कितना दिन तक रहेगा जेल भरो भी के तरीके का ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कानून व्यवस्था के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। आज उसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे जो उन्नाव की निर्भया है, उनकी मौत हो गई है। हम लोग चाहते हैं उनके हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में धरना दिया सांकेतिक रूप से। आज उसी उसमें हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं और आगे ज़रूरत पड़ेगी इस सरकार के खिलाफ हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का भी काम करेंगे। और हम लोग की मांग है कि नैतिकता के आधार पर जिस तरह आए दिन प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट, हत्याएँ हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार इस्तीफा दे।